अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम फहद रिंद, लेक्चरर इन केमिस्ट्री। लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद। टुडे वी डिस्कस द आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक्चुअली एक होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरे होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो यहाँ पर हम जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के हवाले से ही पढ़ेंगे और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप्स के हवाले से। आइसोमेरिज्म जो है वो दो जो है वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, आइसो मींस सेम एंड मेरस मींस के यूनिट्स। तो जो वर्ड आइसोमर है, आइसो मींस सेम, मर मींस यूनिट, तो इसमें एक्चुअली ये होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला से मुराद है कि टाइप ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स उन दोनों के अंदर या तीनों कंपाउंड्स के अंदर सेम होंगे, जो भी कंपाउंड्स के आपस में जो है पेयर बन रहे हैं, और उसके अलावा उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा वो डिफरेंट होगा। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर, उनको आइसोमर कहा जाता है और इस प्रोसेस को आइसोमरिज्म कहा जाता है, एंड द प्रोसेस इज टर्म्ड एज आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे हम बात करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के जो हैं वो चार टाइप्स है, वो यहाँ पे डिस्कस होंगे। फिफ्थ टाइप जो है टाटोमेरिज्म जिसे हम कहते हैं, जो कि सिलेबस में नहीं इन्वॉल्व है, तो वो मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा। चेन आर स्केलेटल आइसोमर पहला। चेन या स्केलेटल आइसोमर हम कहते हैं कि जो कार्बन्स के जो चेन होगी उस चेन में चेंजिंग आएगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, जाहिर बात है आइसोमर के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला का सेम होना लाजिम है, बाकी जो उसकी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगी। एक कंपाउंड स्ट्रेट है तो दूसरा ब्रांच, फिर मजीद ब्रांच, इस तरह से उसके डिफरेंट जो है आइसोमर जो है वो बनाए जाएंगे। चेन आइसोमर को हम डिफाइन करेंगे, कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर बाय द नंबर ऑफ बाय द चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर बाय द चेन ऑफ कार्बन एटम्स। इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल हमने ले लिया, पेंटेन जिसका फार्मूला है C5H12। पेंटेन को पहले हमने इस फॉर्म में लिखा, स्ट्रेट चेन में लिखा, फाइव कार्बन्स हमने लगा लिए, उसके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स जो हैं कार्बन की वैलेंसी के मुताबिक हमने लगा लिए। तो पहले कार्बन के साथ तीन और चौथा ही बांड बना रहा है, इस तरह से ही चेन बना ली। उसके बाद इसको हमने ब्रांच्ड कर लिया, तो यहाँ पर ये थ्री कार्बन पे एक CH3 ग्रुप या मिथाइल ग्रुप है, तो इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन हम देखेंगे तो वो सेम है, फाइव कार्बन है इसके अंदर भी, फोर और फाइव हाइड्रोजन, सिर्फ डिफरेंट क्या आ रहा है इसका स्ट्रक्चर। एक और इसका आइसोमर बनेगा, मजीद हम इसको ब्रांच बनाएंगे तो CH3 और कार्बन के साथ जो है तीन CH3 और लगाएंगे, तो टोटल चार CH3 कार्बन के साथ लगा लेंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन इसके अंदर काउंट करेंगे तो फाइव कार्बन और थ्री फोर जा 12 हो जाएगा, तो इस तरह से 12 हाइड्रोजन एटम्स इसके अंदर आ रहे हैं। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि तीन कंपाउंड हैं, तीनों के जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, जबकि तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम है। तो अब ये तीनों कंपाउंड्स कहलाएंगे आइसोमर्स, और आइसोमर में इनकी कैटेगरी होगी चेन आइसोमर या स्केलेटल आइसोमर। अब हम बात करते हैं पोजिशन आइसोमर पर। पोजीशन आइसोमर, जबकि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि पोजीशन आइसोमर में जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी पोजीशन चेंज होगी ऑन दी हाइड्रोकार्बन चेन, या अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन के हवाले से उनके अंदर चेंजिंग आएगी। तो इसकी डेफिनेशन भी उसी तरह से होगी, कंपाउंड से बस सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर बाय, सिर्फ ये चेंज आएगा बाय पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, बाकी डेफिनेशन सेम होगी। तो इसके अंदर पोजीशन किस तरह से, हमने कंपाउंड लिया ब्यूटेनॉल जिसके अंदर चार कार्बन, 10 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम होता है। इसमें आप देखेंगे OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप है जो रिप्रेजेंट कर रहा है अल्कोहल को। अब OH की पोजिशन यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे है। इसके अलावा ये OH फंक्शनल ग्रुप जो है वो अब दूसरे मॉलिक्यूल में वो सेकंड कार्बन पे मौजूद है, तो इट इज़ कार्बन नंबर 1 एंड इट इज़ कार्बन नंबर 2। तो सिर्फ चेंजिंग क्या आई इसके अंदर, कार्बन हाइड्रोक्साइड जो है फंक्शनल ग्रुप उसकी पोजीशन में चेंजिंग आई है। तो इस तरह के आइसोमर को कहा जाएगा पोजीशन आइसोमर।
अब यही OH अगर इधर लगा दें तो वो कार्बन थ्री नहीं होगा, क्योंकि नामनक्लेचर के रूल्स के मुताबिक फिर हम नंबरिंग यहाँ से देंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ से सेकंड कार्बन पे आ रहा है। तो इसके सिर्फ दो जो हैं पोजिशन आइसोमर्स पॉसिबल हैं, इससे ज़्यादा इसके पोजिशन आइसोमर्स नहीं बनते। एक और एग्जाम्पल है, उस पर भी डिस्कस करते हैं, इसी पोजिशन आइसोमर के हवाले से है। फॉर एग्जाम्पल इथीन है, ब्यूटीन है, चार कार्बन है इसके अंदर, C4H8 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो डबल बॉन्ड जो है यहां से स्टार्ट हो रहा है कार्बन वन पे। अब अगर इसका हम आइसोमर बनाएं और पोजीशन आइसोमर बनाएं, तो ये डबल बॉन्ड हम शिफ्ट कर देंगे सेकंड कार्बन पे, तो हम इसको लिखेंगे CH3 बॉन्ड CH3। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब ये कार्बन नंबर टू पे डबल बॉन्ड है, तो ये वन ब्यूटीन है और ये टू ब्यूटीन है। तो डिफरेंस ये आ रहा है कि जो है सिर्फ इसके अंदर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है वो चेंज हो रही है। तो इन आइसोमर को भी हम कहेंगे दीज आर दी पोजीशन आइसोमर्स। इसके अंदर हाइड्रोजन काउंट करेंगे, तीन और तीन छः, छः और दो आठ हो गए, इसके अंदर भी तीन और दो पाँच, पाँच और तीन जो हैं आठ हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा, इस तरह का कोई और भी मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ कार्बन चाहे भले ज़्यादा हो, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही हो, तो इस तरह के आइसोमर को हम कहेंगे पोजीशन आइसोमर। अब इसके जो दूसरे टाइप्स हैं आइसोमर्स के, उसके हवाले से नेक्स्ट में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही होता है, मगर उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हो जाता है। फंक्शनल ग्रुप हम कहते हैं एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स विच चेंज द होल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, के एटम या एटम्स का मजमुआ जिसकी वजह से जो हाइड्रोकार्बन्स की चेन होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उसकी पूरी की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाए, तो उस तरह के एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के लिए मैंने यहाँ पे तीन एग्जांपल लिखे हैं। एक एग्जांपल है C2H6O, ये एक फार्मूला है जिसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, एक आ रहा है अल्कोहल और दूसरा है इथर। अल्कोहल में ROH इसका जनरल फार्मूला है और इथर के लिए जो है ROR जो है इसका जनरल, R जो है अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब अल्केन से एक हाइड्रोजन कम होता है तो उसे हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। जैसे मीथेन है CH4, उससे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा CH3, तो वो मिथाइल रेडिकल कहलाएगा। तो एनीवेज इसका फार्मूला जब बनाएंगे CH3CH2OH, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन तीन प्लस दो पाँच और एक छः हो गए, और इसके अंदर कार्बन दो हैं और एक ऑक्सीजन। ये वाला फार्मूला इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो ये अल्कोहल। अब इसी का फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो सेम ही रहेंगे। इसके अंदर आप देखेंगे CH3OCH3, तो ये इथर है और ये अल्कोहल है। तो अल्कोहल के लिए CH3CH2OH और इथर के लिए CH3OCH3 है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, दो कार्बन एक ऑक्सीजन। तो ये जो दो कंपाउंड्स हैं इन दोनों के लिए जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो ये दो कंपाउंड्स आइसोमर्स हो गए। और ये आइसोमर्स किस सेंस में है कि दोनों में जो चेंज आ रही है वो फंक्शनल ग्रुप की चेंज आ रही है, चेन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, पोजिशन में चेंजिंग नहीं आ रही, बल्कि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो रहा है, तो अल्कोहल से इथर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को कहते हैं हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। एक और एग्जांपल है, उस पर डिस्कस करते हैं C3H6O। इसमें अल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आइसोमर्स बना रहे हैं। अल्डिहाइड R बॉन्ड CHO और कीटोन में RCOR होता है।
अब एल्डिहाइड का एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, CH3 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन, तो इस वाले ग्रुप को जो है हम CHO करके लिख देते हैं। तो इसके रिजल्ट में तो इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, एक ऑक्सीजन है, तो इस जो फार्मूला को ये भी फॉलो कर रहा है। इसी सेंस में एक और है, कीटोन है, CH3COCH3, इसके अंदर भी आप कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 और एक ऑक्सीजन है, तो ये कीटोन है, इसे प्रोपेनोन कहते हैं और इसे जो है प्रोपेनल कहेंगे। इसके अंदर जो है 3 कार्बन है प्रोपेनल। इसके अलावा C3H6O2, इसके अंदर भी दो जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बनते हैं, एक एस्टर है और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। एस्टर RC OR होगा, तो CH3COCH3, तो ये एस्टर हो गया, ये R ग्रुप, ये R ग्रुप। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड में देखेंगे CH3CH2COH है, तो इसके अंदर 3 कार्बन हो गए। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसके अंदर 6 हैं, 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन जो है 3, 4, 5 और 1, 6। तो इस सेंस में आप देखें कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका और इसका, ये वाला आ रहा है, तो ये आइसोमर्स हो गए और फंक्शनल ग्रुप की चेंजिंग। इसी सेंस में इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कीटोन का और एल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है, तो ये आइसोमर्स। इसी सेंस में इथेनॉल और जो इथर है डाइमिथाइल, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है, तो इनको भी हम कहेंगे आइसोमर्स कहेंगे और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहेंगे। एंड द फोर्थ टाइप इज द मेटामरिज्म, द फोर्थ टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, जिसके अंदर कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और फंक्शनल ग्रुप भी सेम ही रहता है, बाकी जो नंबर ऑफ कार्बन्स की जो चेन है उसमें डिफरेंस आता है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है कि कंपाउंड्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू द मल्टीवेलेंट एटम। मल्टीवेलेंट एटम में जो ये ऑक्सीजन है ये भी मल्टीवेलेंट एटम है कि एक से ज़्यादा ये बॉन्ड बना रहा है, तो इसके साथ ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन अल्काइल ग्रुप होंगे उनमें चेंजिंग आएगी। तो एक फार्मूला है C4H10O, 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, उसके लिए ये 3 डिफरेंट जो है रिप्रेजेंटेशन दी गई हैं, 1, 2 एंड 3। तीनों में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं, इसके अंदर भी 4 हैं और उसमें भी 4 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन, तीनों में 10-10 है। तो सिर्फ फ़र्क क्या आ रहा है, इसमें आप देखें कि 2 कार्बन वाला अल्काइल इस एक साइड पे है और 2 कार्बन वाला अल्काइल दूसरी साइड पे, तो दोनों साइड्स पे इक्वल इथाइल ग्रुप्स अटैच हैं, तो ये डाई इथाइल ईथर होगा या इसका नाम इथॉक्सी इथेन हम लिखते हैं, जो कि आईपैक नेम है। इसके बाद अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया कि अब लेफ्ट साइड पे जो है या एक साइड पे 3 कार्बन वाला अल्काइल आ गया और दूसरी साइड पे 1 कार्बन वाला अल्काइल आ गया, तो ये मिथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा कंपाउंड, तो ये भी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं क्योंकि इनका फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, बाकी जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पर कार्बन तो 3 है ऑक्सीजन के साथ जैसे यहाँ पे, मगर सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पे स्ट्रेट चेन वाले 3 कार्बन है, यहाँ पे ब्रांच्ड वाले हैं, तो इस सेंस में जो है ये आइसोप्रोपाइल है और मिथाइल है, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर इसे हम कहेंगे। अगर नामकरण आईपैक वे से देंगे तो सेकंड कार्बन पे OCH3 है जिसे हम मिथॉक्सी कहते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी और 3 कार्बन है, तो ये कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3, 2 पे ये पूरा ग्रुप है 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो हमारा जो मेन फोकस है वो इस पे है कि किस तरह से इसके आइसोमर्स बन रहे हैं, तो इस तरह के आइसोमर्स को मेटामर्स कहा जाता है, जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जो मल्टीवेलेंट एटम है इसके अंदर जैसे ऑक्सीजन है यहाँ पे, उसके साथ अल्काइल जो ग्रुप हैं वो चेंज होते रहेंगे, तो इस तरह के कंपाउंड्स की जो सीरीज होगी उनका हम मेटामर्स कहेंगे। तो इस तरह से 4 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स इस लेक्चर में पूरे हुए, जिनमें पोजिशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स और मेटामर्स मौजूद थे। और ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद, अल्लाह हाफिज़।